नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक क्योटो की प्राचीन मंदिर जिसका नाम ज़ुइशी इन है उसके बारे में जानेंगे और उससे संबंधित हानेज़ू ओदोरी यानी कि हानेज़ू डांस फेस्टिवल और उसके ओरिजिन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। करीब 1200 साल पहले ओनो नो कोमाची नामक महिला रहती थी और वो दुनिया में सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत सुंदर और बुद्धिमती थी। ऐसा माना जाता है कि ओनोनो कोमाची इस मंदिर ज़ुइशी इन के आसपास ही रहती थी। यह मंदिर 991 में बनाया गया था और अभी अगर आप देखें तो इस मंदिर के अंदर बहुत सारे प्लम ट्रीज हैं और प्लम गार्डन यहाँ का बहुत ही सुंदर है। करीब 230 प्रकार के प्लम ट्रीज यहाँ पे हैं और इनमें लाइट पिंक कलर के फूल उगते हैं। और हानेज़ू जो कि फेस्टिवल का नाम है, हानेज़ू ओदोरी, हानेज़ू का मतलब लाइट पिंक कलर है जापानी भाषा में और उसी से इस डांस का नाम हानेज़ू ओदोरी पड़ा। अभी अगर देखा जाए तो जापान में जो सबसे लोकप्रिय फूल है वो है साकुरा यानी चेरी ब्लॉसम, लेकिन हेयान काल में जो कि अब से करीब 1000 साल पहले का समय है, उस समय जो प्लम फ्लावर्स थे वो बहुत लोकप्रिय थे। तो अब चलते हैं इस डांस फेस्टिवल हानेज़ू ओदोरी और उससे संबंधित कुछ जानकारी के बारे में। तो ये जो डांस फेस्टिवल है जिसका नाम है हानेज़ू ओदोरी, यह हर साल मार्च के लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो पब्लिक के सामने डांस करने के पहले मंदिर में स्थित बुद्ध मूर्ति के सामने यह डांस परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद पब्लिक के सामने यह डांस फेस्टिवल प्रस्तुत किया जाता है। और साथ ही साथ एक कॉन्टेस्ट जिसका नाम है ज़ुइशी इन मिस ओनोनो कोमाची कॉन्टेस्ट, इसका भी आयोजन होता है। इस प्रतियोगिता में 3 महिलाओं को चुना जाता है विनर के तौर पे और जिनको विनर घोषित किया जाता है उनको इस डांस फेस्टिवल के दिन आयोजन का काफी सारे कार्य करते हैं और साथ ही साथ उइरू बोल के एक स्वीट है उसको बेचते हैं जो लोग उस फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। जो डांस फेस्टिवल आप इस जो वीडियो में देख रहे हैं उनमें जो प्राथमिक कक्षा के क्लास 4, 5, 6 के स्टूडेंट्स हैं उन लोग ये डांस करते हैं और ये डांस जो है उसमें माना जाता है कि जो ओनोनो कोमाची थी जो 800 के करीब साल में वो रहती थी इस एरिया में और वो जो थी वो बच्चों के साथ गाती नाचती थी और इस डांस का जो थीम है वो है मोमोयोगा योई, इसका अर्थ है द टेल ऑफ 100 नाइट्स। तो इस कहानी इस कुछ इस प्रकार से है कि इस मंदिर से 5 किलोमीटर दूर एक जगह का नाम था फुकाकुसा, वहां पे एक युवक रहता था जिसका नाम था शोशो। तो शोशो ने जब उन्होंने कोमाची को देखा तो उसकी सुंदरता को देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ और वो उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कोमाची ने एक शर्त रखी कि अगर शोशो उसे अब से 100 दिन के लिए हर रात उसे मिलेगा तभी वो उससे शादी करेगी। उसके बाद शोशो हर रात उसे मिलने के लिए आता रहा, लेकिन जो 99 दिन में वो जब आ रहा था उन्होंने कोमाची से मिलने के लिए तब वो रास्ते में ही वो गिर गया और गिर के वो मर गया। तो ये काफी दुख भरी कहानी है, लेकिन उसी कहानी के ऊपर ये जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसी पे आधारित है जिसको यहाँ के डांसर्स और म्यूजिशियंस प्रदर्शन करते हैं। और डांसर में भी 3 रोल हैं। पहला जो रोल है वो है जो ओनोनो कोमाची का रोल प्ले करता है, दूसरा है जो फुकाकुसानो शोशो का रोल प्ले करता है और जो और एक जो है वो इस छतरी को पकड़ते हैं जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और ये उस दिन में 4 बार प्रदर्शित किया जाता है। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।